आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं आप इंस्टाग्राम का यूज़ कर महीने के 30,000 रुपये कैसे कमा सकते हैं अगर आपके इंस्टाग्राम पे 100 फॉलोअर भी हैं। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं और यहां पर आप रील्स वीडियो अपलोड करते हैं तो आप चाहे तो रील्स वीडियो अपलोड कर महीने के 30,000 रुपये या फिर इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। यहां पर आपको पैसे कमाने के अभी के टाइम में 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक है स्पॉन्सर कर पैसे कमाने का, मगर स्पॉन्सर कैसे मिलती है और कितने फॉलोवर पर मिलती है ये जानकारी इस वीडियो में आपको आगे देखने को मिलने वाली है। और नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने इसे भी पैसे कमाने का, इंस्टाग्राम को मोनेटाइज कराकर। अगर आपका इंस्टाग्राम प्रोफेशनल है और आप यहां पर अपने ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करते हैं तो आप अपने इंस्टाग्राम को मोनेटाइज भी करा सकते हैं और रील्स वीडियो पर आप यहां पर डॉलर में अर्निंग कर सकते हैं। और आपके पास लास्ट ऑप्शन है यहां पर पैसे कमाने का, जिसमें आप 100 फॉलोवर पर भी अर्निंग कर सकते हैं, वो है यहाँ पर दोस्तों रील्स वीडियो अपलोड कर। मगर रील्स वीडियो आपको कौन सी अपलोड करनी है जिससे आप कम फॉलोवर पे पैसे कमा सकते हैं, वो भी डेली के 1,000 से ज़्यादा। तो कैसे आप इंस्टाग्राम को यूज़ करेंगे सही तरह से ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए और किस तरह से पैसे आपको रिसीव होते हैं, ये सब जानकारी स्टेप बाई स्टेप आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आप इंस्टाग्राम से पैसे कमाना सीख जाएंगे, वो भी कम फॉलोवर पे। आपके अगर 10 फॉलोवर हैं या फिर 50 या फिर 100 फॉलोवर हैं तो भी आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं और पैसे यहां पर कमा सकते हैं। मैंने भी इस ट्रिक को काफ़ी बार अप्लाई करा है और मैंने भी पैसे कमाए, प्रूफ आपको इस वीडियो में ही मिलेगा। तो अब चलिए चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम अपने इंस्टाग्राम को प्रोफेशनल में किस तरह से स्विच कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको क्लिक करना है एडिट प्रोफाइल पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा, तो आप स्लाइड करेंगे इस तरह से और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है वास्ट बेस्ट डिस्क्राइब यू, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप ब्लॉगर हैं या फिर आप डिजिटल क्रिएटर हैं या फिर आप एजुकेशन की वीडियोस अपलोड करते हैं, एडिटर है, राइटर है, गेमर है, जो भी आप इनमें से वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं वीडियो क्रिएटर को, तो उस पर क्लिक कर देंगे और ऊपर हमारे सामने ऑप्शन आता है डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, जो हमने वीडियो क्रिएटर सिलेक्ट करा है। अगर ये आप अपनी प्रोफाइल में भी दिखाना चाहते हैं तो आप इसे ऑन कर लेंगे, अगर नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप इसे ऑफ कर देंगे। तो हमने यहाँ पर ऑन कर लिया है और हम क्लिक कर देंगे सिंपली डन पे। डन पे क्लिक करने के बाद आपको वेट करना है कुछ सेकंड का और यहाँ पर दो ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, एक आता है क्रिएटर का, एक आता है बिजनेस का। अगर आप चाहते हैं अपने इंस्टाग्राम को मोनेटाइज कराना तो आप इन दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं क्रिएटर को और क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली नोट नाउ पे क्लिक कर देंगे इस तरह से और इसे स्किप आप कर सकते हैं या फिर आप अपनी प्रोफाइल डिटेल्स को जाकर भी एडिट कर सकते हैं। तो हम इसके होम पेज पर आ चुके हैं और आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम को प्रोफेशनल में स्विच कर लिया है, मगर अभी डैशबोर्ड हमें नहीं मिला है। तो आप देख सकते हैं अब हमें प्रोफेशनल डैशबोर्ड यहाँ पर मिल गया है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम सारा ओवरव्यू यहाँ पर ही देख सकते हैं। जैसे कि हम जो यहाँ पर रील्स अपनी वीडियो अपलोड करते हैं उस पर कितने व्यूज़ आए हैं लास्ट 30 डेज में या फिर लास्ट 48 आवर में और कितने फॉलोवर इंक्रीज हुए हैं, कितने रीच गई है, ये सब दोस्तों आप यहाँ पर डिटेल के साथ देख सकते हैं और यहाँ पर आपको और भी काफ़ी सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आते हैं हम बैक। यहाँ से बैक आने के बाद अब बात कर लेते हैं दोस्तों, हमने तो अपना इंस्टाग्राम अब प्रोफेशनल में स्विच कर लिया है तो अब हम किस तरह से चेक करेंगे कि हम यहाँ पर इंस्टाग्राम पे मोनेटाइज के एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, क्या हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट मोनेटाइज है या फिर नहीं है, ये अब हम किस तरह से चेक करेंगे। उसके लिए आपको क्लिक करना है प्रोफाइल वाले आइकन पे, ऊपर 3 बार पे आप क्लिक कर देंगे सिंपली इस तरह से। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक नेक्स्ट पेज यहाँ पर शो हो जाएगा, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन कर नीचे आएंगे और यहाँ लिखा हुआ है क्रिएटर टूल एंड कंट्रोल, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। नीचे आपको आना है स्क्रॉल डाउन कर यहाँ पर लिखा हुआ है मोनेटाइजेशन स्टेटस, यहाँ पर आपको क्लिक करना है।
यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर एबल टू मोनिटाइज। अभी के टाइम में दोस्तों हमारे सामने ये वाला पेज शो हो रहा है और आपके सामने भी सेम यही पेज यहाँ पर शो होता है अगर आप इस तरह से चेक यहाँ पर करते हैं। दोस्तों अगर आपके सामने भी यही वाला पेज शो हुआ है तो आपका जो इंस्टाग्राम है वो अभी मोनिटाइज नहीं हुआ है, आप अभी रील्स अपलोड कर अर्निंग यहाँ पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये वाला पेज सभी यूज़र के सामने ही शो हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में, पार्टनर मोनिटाइज पॉलिसी के बारे में और कम्युनिटी गाइडलाइन के बारे में। दोस्तों अगर आप रील्स वीडियो अपलोड कर डॉलर में अर्निंग करना चाहते हैं और अपने इंस्टाग्राम को मोनिटाइज कराना चाहते हैं तो इनका क्राइटेरिया है वो आपको फॉलो यहाँ पर करना है जब भी आप अपने इंस्टाग्राम को मोनिटाइज करा पाएंगे, जब भी आप पैसे कमा पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मोनिटाइजेशन पॉलिसी के बारे में। दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो अपलोड करते हैं और आप इसे मोनिटाइज कराना चाहते हैं और डॉलर में अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप जो यहाँ पर रील्स वीडियो अपलोड करेंगे वो रील्स वीडियो क्वालिटी आपकी HD होनी चाहिए, यानी बेहतर क्वालिटी आपकी रील्स वीडियो की होनी चाहिए जब भी आप मोनिटाइज यहाँ पर करा पाएंगे अपने इंस्टाग्राम को। और एक बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आप जो यहाँ पर रील्स वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको कॉपी कर अपलोड नहीं करनी है, जैसे कि किसी और क्रिएटर की वीडियो उठाकर आपको यहाँ पर अपलोड नहीं करनी है, आपको अपना ही ओरिजिनल कंटेंट यहाँ पर अपलोड करना है जब भी आप अपने इंस्टाग्राम को मोनिटाइज करा पाएंगे। और ये कन्फर्म नहीं है कि कितने फॉलोवर पे आपका इंस्टाग्राम मोनिटाइज होगा क्योंकि काफ़ी ऐसे यूज़र भी हैं हिंदुस्तान के अंदर जिनके काफ़ी कम फॉलोवर हैं मगर उनका जो इंस्टाग्राम है वो मोनिटाइज हो चुका है, और काफ़ी ऐसे यूज़र भी हैं जिनके मिलियन से फॉलोवर हैं मगर उनका भी अभी तक इंस्टाग्राम मोनिटाइज नहीं हुआ है, और काफ़ी ऐसे यूज़र भी हैं जिन्हें अभी तक यहाँ पर इंस्टाग्राम पे मोनिटाइज के जो अर्निंग थी उनकी वो सब रिसीव भी हो गई है। दोस्तों यहाँ पर जो आपकी रील्स वीडियो पे अर्निंग होती है, जो भी आपके डॉलर रहते हैं वो आपको पेपल अकाउंट में ही रिसीव होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप इंस्टाग्राम को मोनिटाइज कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपना ही ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऐसे कौन कौन से यूज़र हैं जिनका इंस्टाग्राम मोनिटाइज नहीं हो पाएगा। दोस्तों अगर आप वीडियोस यहाँ पर अपलोड करते हैं चाहे आपका ओरिजिनल कंटेंट हो, अगर वीडियो की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा लो है तो आप इसे मोनिटाइज नहीं करा पाएंगे। और आपको ध्यान रखना है कि आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ये प्रोफेशनल में स्विच होना चाहिए जब भी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट मोनिटाइज हो पाएगा। और अगर आप किसी की वीडियो डाउनलोड कर अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम पर तो आपका जो इंस्टाग्राम है ये मोनिटाइज यहाँ पर नहीं होगा। ये कुछ जानकारी है दोस्तों जिसे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आ जाते हैं अब हम ब्रेक, अब बात कर लेते हैं अगर इंस्टाग्राम हमारा मोनिटाइज हो जाएगा तो कहाँ पर शो होगा। दोस्तों यहाँ पर ही आपके सामने इंस्टाग्राम पे रील्स बोनस का ऑप्शन शो हो जाता है। यहाँ पर अगर आपके सामने रील बोनस का ऑप्शन शो हो चुका है तो आपका जो इंस्टाग्राम है वो मोनिटाइज यहाँ पर हो गया है। इस तरह से दोस्तों अभी के टाइम में आप अपने इंस्टाग्राम को प्रोफेशनल में स्विच करते हैं और इस तरह से आप चेक कर पाएंगे कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट मोनिटाइज है या फिर नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगर हमें इंस्टाग्राम से पैसे कमाने हैं स्पॉन्सर कर तो पैसे कैसे कमाएंगे और स्पॉन्सर हमें कितने व्यूज पर कितने फॉलोवर पर मिलती है। दोस्तों अगर आपका इंस्टाग्राम पर प्रोफेशनल अकाउंट है, आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है तो आपको स्पॉन्सर यहाँ पर 10,000 फॉलोवर भी मिल जाती है। आप एक वीडियोस करने का यहाँ पर 5,000 रुपये चार्ज कर सकते हैं कंपनी से। और अगर आपके फॉलोवर 50,000 प्लस है और आपके रील्स पे वीडियो 1,00,000 प्लस आ जाते हैं या फिर 50,000 प्लस व्यूज़ आपकी रील्स पे आ जाते हैं तो आप 25,000 से 30,000 रुपये चार्ज कर सकते हैं कंपनी से एक वीडियो का। वीडियो भी आप 15 से लेकर 30 सेकेंड की यहाँ पर बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगर हमारे 50,000 से ज़्यादा फॉलोवर हैं या फिर 10,000 से ज़्यादा फॉलोवर हैं और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट प्रोफेशनल है तो हमें स्पॉन्सर किस तरह से मिलेगी, कंपनी हमसे कैसे कॉन्टेक्ट करेगी, अब इस बारे में बात कर लेते हैं। उसके लिए आपको बेक आना है। बेक आने के बाद आपके सामने ऊपर ऑप्शन आएगा एडिट प्रोफाइल का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। नीचे आपको आना है, यहाँ पर लिखा हुआ है बायो, बायो पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना बायो एंटर कर रखा है सेम इसी तरह से आपको बायो अपना एंटर करना है अगर आपका यूट्यूब चैनल भी है तो। नीचे आप एंटर कर देंगे फॉर बिजनेस और नीचे आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से सेव पे क्लिक अगर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों अगर आप अपनी प्रोफाइल पर आएंगे या फिर कोई भी यूज़र आपकी प्रोफाइल पर आता है तो यहाँ पर ऊपर आपके बारे में जानकारी शो होती है, नीचे लिखा हुआ है फॉर बिजनेस और ईमेल आईडी आपकी शो हो जाती है। तो जो भी कंपनी आपसे स्पॉन्सर कराएगी वो इसी ईमेल आईडी पे आपको मेल यहाँ पर करेगी, फिर आपको रिप्लाई देना है और स्पॉन्सर आपको कर यहाँ पर पैसे कमा लेने हैं। बस दोस्तों इस तरह से आपसे कंपनी कॉन्टेक्ट करती है और इतने ही फ्लोर पर आपको स्पॉन्सर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये दो ऑप्शन आपके पास होते हैं इंस्टाग्राम पर पैसे कमाने के, अगर आपके पास 10,000 या फिर 50,000 फॉलोवर हैं और आपका इंस्टाग्राम अकाउंट प्रोफेशनल है, और अगर आपके पास 100 फॉलोवर हैं या फिर इससे भी कम फॉलोवर हैं तो आप चाहे तो दोस्तों फिर भी यहाँ पर डेली के 1,000 से ज़्यादा रुपये कमा सकते हैं। वो कैसे कमाएंगे अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। उसके लिए आपको आना है इसके होम स्क्रीन पर।
होम स्क्रीन पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है प्लस वाला, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है रील्स को, तो रील्स आपको यहाँ पर अपलोड करनी है और रील्स अपलोड कर आप बहुत पैसे कमा सकते हैं। मगर रील्स कौन सी अपलोड करनी है मगर इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। अगर आप जीरो फॉलोवर पे पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको पहले एडिटिंग आनी चाहिए। अगर आपसे वीडियो एडिटिंग आती है तो आप जीरो फॉलोवर पैसे यहाँ पर कमा पाएंगे। अब कैसे कमाएंगे अब इस बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बहुत सारी रेफर एंड अर्न से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगी जो कि आपके सामने यहाँ पर शो हो रही है। आप चाहे तो दोस्तों इन वीडियो में से कुछ कुछ पार्ट कट करके यानी कुछ पार्ट एडिट करके अपने इंस्टाग्राम पेज पर आप अपलोड कर सकते हैं और ऐसे में आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। और जिस वीडियो को आप अपलोड करते हैं जिस वीडियो में जिस ऐप के बारे में जानकारी दी जाती है उस वीडियो का लिंक दोस्तों आपको यहाँ पर अपने बायो में एंटर करना है। बायो आपको कहां मिलेगा वो भी आप देख सकते हैं। एडिट प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे लिखा हुआ है बायो के नीचे लिखा हुआ है लिंक्स, यहां पर आप क्लिक करेंगे। यहां पर आप ऐड एक्स्ट्रा लिंक पे क्लिक कर उस एप्लीकेशन का लिंक दे सकते हैं जिसके बारे में आपको उस वीडियो में जानकारी दी गई है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हमने वीडियो में जानकारी दी है कि एंजल वन से रेफर कर पैसे कैसे कमाते हैं तो आप उस वीडियो का वो मेन मेन पॉइंट निकाल सकते हैं जिसमें रेफर के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि एंजल वन में एक रेफर के अभी के टाइम में 1000 रुपये आपको मिलते हैं। अगर वो क्लिप आप निकाल लेते हैं वहाँ से यानी एडिट करके ले लेते हैं और यहाँ पर आप अपलोड कर देते हैं और एंजल वन अकाउंट ओपनिंग का लिंक आप यहाँ दे देते हैं एक्सटर्नल लिंक पे और वीडियो में अगर आप एडिट कर देते हैं कि एंजल वन अकाउंट ओपनिंग का लिंक बायो में मिल जाएगा तो जो भी यूज़र एंजल वन से पैसे कमाना चाहेगा तो वो अपना अकाउंट एंजल वन में ओपन करेगा, जब भी वो एंजल वन से रेफर कर पैसे कमा पाएगा। तो अगर एंजल वन से वो एक रेफर भी कर देता है तो वो 1000 रुपये कमा सकता है। और अगर आपने इस तरह से एंजल वन से एक दिन के अंदर अगर 10 रेफर भी कर दिए तो आप 10000 रुपये कमा सकते हैं। जैसे कि जो रील्स वीडियो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे जो भी यूजर रील्स वीडियो देखेगा आपकी जो आपने एडिट कर यहाँ पर अपलोड करी है रील्स वीडियो में जानकारी दी गई है कि एक रेफर कर 1000 रुपये कमा सकते हैं तो वो वीडियो अगर वो देखता है और उसे अकाउंट ओपन अपना करना होता है एंजल वन में तो वो आपके लिंक्स अकाउंट अपना बना सकता है। इस तरह से दोस्तों आप रेफर कर पैसे कमा पाएंगे कम फॉलोवर पे इंस्टाग्राम से। और कंप्लीट वीडियो की जानकारी आपको यूट्यूब पर ही दे देंगे। अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है तो आप यूट्यूब पर जाकर दे सकते हैं, ऐसे ऐसे नाम सर्च कर सकते हैं और आपके सामने वीडियो शो हो जाएगी। ये भी आप उस वीडियो में एडिट कर टाइप कर सकते हैं। बस दोस्तों ये तरीका है आपके पास विदाउट इन्वेस्टमेंट और महीने के 30000 रुपये कमाने का। इस तरह से आप कम फॉलोवर पे महीने 30000 रुपये कमा सकते हैं। मैंने भी काफ़ी बार ऐसे करा है और मैंने भी काफ़ी बार पैसे कमाए और मेरे काफ़ी ऐसे फ्रेंड है दोस्तों जो यही ट्रिक फॉलो करते हैं और इस तरह से वे काफ़ी अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। अगर आप यहाँ से वीडियोस डाउनलोड करते हैं और एडिट कर यहाँ अपलोड करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। आप इस तरह से भी कर सकते हैं और पैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दे दी है किस तरह से आप इंस्टाग्राम को यूज़ कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक अपना एंजल वन में अकाउंट ओपन नहीं कराया तो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंजल वन में आपको एक रेफर के 1000 मिलते हैं। अगर आप 10 रेफर कर देते हैं तो आप 10000 रुपये कमा सकते हैं। और कंप्लीट वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप कंप्लीट वीडियो एंजल वन के ऊपर भी देख सकते हैं। तो अब मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। अब चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।